हमारे कमरे में वो रानी साहिबा के साथ उनकी चहेती दासी सो रही। क्या? हाँ, अरे दासी नहीं चिपकली है वो, चिपकली हमेशा रानी साहिबा के साथ चिपकी रहती है। आपसे हमने कहा था ना उसके बारे में पता लगाने के लिए, आपने कुछ पता लगाया? जापला वो जापला रात बहुत हो चुकी है, कल पता लगा ले। हमें लगता है कि अब सोना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, सोना चाहिए, रात बहुत हो गई है, इस वक्त तो सो ही जाते हैं। पर आप ऐसे खड़े क्यों हैं? आप जाइए ना, कहीं जाकर सी जगह ढूंढिए और सो जाइए, बहुत रात हो गई है। इनसे मिलिए, ये है सरोजिनी जी। नमस्ते। नमस्ते। हम सरोजिनी की शादी का ऐलान करने आए हैं वासु के साथ। नहीं, नहीं रानी साहिबा, नहीं, हम आपको एक मासूम बच्ची की जिंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ करने नहीं देंगे। बहना, इस गधे को, हमारा मतलब ये है कि हम अपने बेटे वासु को घोड़ी चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन जान ना पहचान ऐसे कैसे शादी तय कर दे? हम अभी बुलाते हैं। दासी, दासी। नमस्ते जहापना। ये हमारी दासी है, इस सरोजिनी की माता जी। क्या? दासी की बेटी? ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। बलदेव जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, हमें ये शादी मंजूर, कल शादी तय कर दी जाएगी। क्या आपके भाई साहब तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं? अरे इतनी जल्दी, वैसे भी शादी की तैयारियां कैसे हो सकती हैं? आप चिंता मत कीजिए जहापना, हम सारी तैयारी कर लेंगे। चलिए चलिए, बहुत सारी तैयारियां कर ली है, चलिए आप लोग चलिए। सरोजनी ने तो हमें किसी घर का पता दिया, पर इस घर में तो पिछले 25 सालों से कोई और ही रह रहा है। पंडित जी, वैसे निकाह तो आज ही का तय हुआ है, लेकिन कोई अच्छा मुहूर्त देख के समय बताइए, किस समय होना चाहिए ये निकाह? अरे रुक जाइए पंडित जी, इतनी जल्दी भी क्या है? रानी साहिबा, शुभ कार्य में रुकावट डालना अच्छी बात नहीं। दासी जी, ये मुहूर्त शुभ कार्य का नहीं बल्कि कैद खाने जाने का। बीरबल, खबरदार, अगर एक शब्द भी आगे कहा तो। आप चुप रहिए जादूगरनी। बीरबल, ताक, तमीज में रहिए जरा, अब रानी साहिबा को जादूगरनी कह रहे हैं। क्षमा चाहेंगे जापना, पर ये जो आपके सामने है ये रानी साहिबा नहीं। हमारा मतलब है कि शरीर रानी साहिबा का है, पर इस शरीर के अंदर दिमाग इस जादूगरनी का है, जो दासी बनकर हमारे महल में आई और रानी साहिबा पर काबू कर लिया। बीरबल, जुबान संभाल कर बात करो, क्या कर रहे हैं आप? माफ कीजिए बलदेव जी, माफ कीजिए रानी साहिबा, हमें पता नहीं हम अनजाने में क्या क्या बोल गए। जहां बना हो कि पंडित जी कि जहां बना, ये सब क्या हो रहा है? हमें हमें कोई बताओ, ये सब क्या हो रहा है?
रे वासु, तू दासी की लड़की के साथ क्यों खड़ा है? हटो यहां से। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लीजिए इसे और इनकी आंखों में मत देखना। जा अपना आइए। दरअसल ये जो दासी हैं, ये सम्मोहन की क्रिया में निपुण है। जब आपने हमें रानी साहबा की हालत बताई, हम समझ गए कि जरूर ये दासी ही कोई चाल चल रही है। जहां पर इन्होंने ये सम्मोहन की क्रिया आप पर भी आजमाने की कोशिश की थी, पर ऐन वक्त पर आपने नजरें चुरा ली और आप बच गए। बीरबल, हम आपके एहसानमंद हैं कि जहरीली नागिन के जहर से आपने हमारे परिवार को बचाया। इनकी ये चाल तो हम समझ गए, लेकिन अभी भी ये समझ में नहीं आया कि इनकी चाल के पीछे इनका मकसद क्या था। हम बताते हैं जापना। जापना ये मुगलिया सल्तनत की दुश्मन फैजल खान के लिए काम करती। इस दासी और सरोजनी को 5 साल के लिए कैद खाने में डाल दिया जाए।